छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने फिर पीठ पर वार किया। घात लगाकर किए गए नक्सली हमले में दो सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इस हमले में कवरेज के लिए गए एक मीडियाकर्मी की भी मौत हो गई। लोकतंत्र के दुश्मन नक्सलियों ने फिर पीठ पर वार किया। सुरक्षा कर्मियों के साथ मीडिया को भी बनाया निशाना। दांतेवाड़ा में फिर बड़ा नक्सली हमला। दो हमारे शहीद हुए, एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ है और एक हमारे कांस्टेबल शहीद हुआ है। नक्सलियों का पत्रकारों पर हमला। दांतेवाड़ा में कायर नक्सलियों के निशाने पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया भी रहा। दांतेवाड़ा में लोगों का दुख दर्द पहुंचाने में जुटे कई मीडियाकर्मी नक्सली हमले में जख्मी हुए। दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू की जान चली गई। उनके ऊपर जो हमला हुआ है उनके उसमें जान गई है, उनके परिवार के साथ हम सभी आज खड़े हैं। दांतेवाड़ा में अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की। नीलवाया के जंगलों में छिपे नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बल की टीम पर हमला किया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप और कांस्टेबल मंगलू शहीद हो गए। आज दंतेवाड़ा जिला में अरनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत समेली से नीला हवाई करके एक जगह है, उधर हमारे एक पेट्रोल पार्टी गए थे, उसके ऊपर नक्सली एम्बुश हुआ। छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को 18 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है और नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ये नक्सली सिर्फ और सिर्फ आतंक और भय फैलाना चाहते हैं। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान से साफ है कि उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, वो सिर्फ बंदूक के दम पर गरीब लोगों को भरमाने में लगे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं, तो लोगों ने भी बम्पर वोटिंग के जरिए नक्सलियों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। दांतेवाड़ा से सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी मौसम में बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे राहुल गांधी कंफ्यूज हो गए हैं। पहले उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए, फिर कहा कि वो कंफ्यूज हो गए थे इसीलिए ये आरोप लगाए, लेकिन शिवराज सिंह के बेटे ने बिना समय गंवाए और कंफ्यूज हुए राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे की जगह शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम पनामा पेपर लीक मामले में ले लिया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उनसे माफी मांगने या मानहानि के मुकदमे का सामना करने की चेतावनी दी, लेकिन इससे पहले कि राहुल माफी मांगते शिवराज के बेटे ने उन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा था, पूरी कांग्रेस पार्टी ही कंफ्यूज है। जहां तक उनके आरोप का सवाल है ये पूरी तरह बेबुनियाद है, ये उन्होंने खुद माना है, लेकिन ये भरे सार्वजनिक मंच से उन्होंने मेरे और मेरे परिवार की आलोचना की है। अब आपको दिखाते हैं कि कल राहुल ने क्या कहा था और आज क्या बोले। कल मैंने नहीं, कल मैं कंफ्यूज हो गया, कल मैंने सोचा कि मैं पैनामा पेपर वाला इतना कंफ्यूज है, इतने स्कैम्स है कि मैंने सोचा भाई पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया, नहीं पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने नहीं किया, मामा जी के जो बेटा बेटे है पैनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है, पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा उसका नाम पैनामा पेपर्स में निकलता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले दिग्विजय सिंह, फिर जीतू पटवारी और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे इतना तो साफ हो गया है कि कांग्रेस को बीजेपी से कहीं ज्यादा अपने ही नेताओं के बयानों से फिलहाल बचना होगा। कैमरामैन राहुल सेचकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।